हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो आपका वीवो फ़ोन है तो वीवो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारा फ़ोन है तो फ़ोन को आप कैसे रिबूट कर पाएंगे वो भी बिना बटन्स के। तो आज हम बताने वाले हैं कि फ़ोन को रिबूट कैसे कर सकते हैं विदाउट बटन्स वो भी वीवो फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के जो आइकन्स हैं आपके फ़ोन में कुछ इस तरीके से शो हो रहे हैं। तो आपको इसमें स्वाइप करना है और स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन ही आएंगे। फिर आपको सेटिंग्स पे जाना है, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन ही आएगी। तो जो हमारे फ़ोन में जो हमारे फ़ोन है तो उसको आप कैसे रिबूट कर सकते हैं अभी बिना बटन्स का यूज़ करें। तो सिंपली आपको यहाँ से जाना होगा शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग पे। तो शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स ओपन ही आएगी। ओपन होते ही फिर आप देख सकते हैं कि आपको एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स को ओपन करना है। तो एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स हमारे फ़ोन में ओपन हो जाएगी, जिसको आप रिबूट कर सकते हैं अपनी सेटिंग्स का यूज़ करके। सिंपली आपको स्लाइड करना है, एक्सेसिबिलिटी मेन्यू सेटिंग्स मिल जाएगी। तो एक्सेसिबिलिटी मेन्यू सेटिंग्स आपके फ़ोन में आ जाएगी, जिसमें से आप इसको यहाँ से इस तरीके से ऑफ कर सकते हैं तो शॉर्टकट का आइकन आपके फ़ोन में चला जाएगा। जब आप इसको ऑन करते हैं तो शॉर्टकट्स का आइकन हमारे फ़ोन में शो हो जाता है, इतने शो हो रहा है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे और पावर ऑप्शंस पे आप क्लिक कर दोगे तो आप फ़ोन को रिबूट कर सकते हैं। यहाँ पर रिबूट का ऑप्शन आ जाता है, देख सकते हैं कि जब आप इस पर टैप कर दोगे तो हमारा फ़ोन है रिबूट हो जाएगा। देख सकते हैं कि जब हमने इसको टैप कर दिया तो जो हमारा फ़ोन है थोड़ी देर में ऑटोमेटिकली रिबूट हो जाएगा और बिना बटन्स के आप फ़ोन को रिबूट कर पाएंगे। तो आपको थोड़ी देर इंतज़ार कर लेना होगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा फ़ोन है रिबूट हो चुका है और थोड़ी देर में ऑटोमेटिकली पूरी तरीके से ऑन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा फ़ोन है ऑन होने वाला है थोड़ी देर में। तो आपको थोड़ी देर इंतज़ार और करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा फ़ोन रिबूट हो चुका है। तो इस तरीके से आप फ़ोन के सेटिंग्स पे जाकर फ़ोन को रिबूट कर सकते हैं अभी बिना बटन्स के। और साथ में ही आप देख सकते हैं कि आप यहाँ से स्लाइड करते हैं तो यहाँ पर शॉर्टकट का ऑप्शन पहले से ही आपके फ़ोन में शो है। अगर आपने शॉर्टकट से ऑप्शन आइकन और रखा है तो आप बिना सेटिंग्स पे जाए भी यहाँ से डायरेक्टली फ़ोन को रिबूट कर पाएंगे। यहाँ से टैप करके आपका जो फ़ोन है रिबूट हो जाएगा, या पावर ऑफ करना चाहें तो पावर ऑफ भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ़ोन को रिबूट कर सकते हैं अभी बिना सेटिंग्स पे जाकर भी। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू।